राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार 3 जनवरी को फिर से दिल्ली से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण की जानकारी दी है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक ये यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से हनुमान मंदिर से चलेगी और दोपहर में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दाखिल होगी। कांग्रेस महासचिव के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। राहुल गांधी 30 जनवरी को कश्मीर में तिरंगा लहराएंगे। इसी के साथ कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाले कांग्रेस महाधिवेशन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महाधिवेशन 24, 25 और 26 फरवरी को रायपुर में होगा। फर्स्ट लेग ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा वॉज एंडेड ऑन December 24th at New Delhi. You already witness, you are all witness the saga of people of Delhi who participate in the yatra on 24th. Now the yatra will resume tomorrow, January 3rd onwards from Delhi itself. Bharat Jodo yatra covered 3,122 kilometers so far. Congress Mahasachiv K.C. Venugopal ne भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण की जानकारी देते हुए इस यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी को कोई डर नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर और एहतियात बरती जाए। इसको लेकर पार्टी ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी के जवाब में CRPF के जवाब पर असंतोष जताया है। We already announced the plenary session of the party on last leg of February at Raipur. Now AICC has decided that the 85th plenary session of the Indian National Congress will be held on 24th, 25th, 26th of February at Raipur. It will be a three-day conference. Start from 24th and ending on 26th February. There will be 6 major subjects to be debated. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए कई विपक्षी दलों के नेताओं को भी इनवाइट किया गया है। हालांकि पार्टी ने साफ नहीं किया है कि कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद को भी निमंत्रण भेजा गया है या नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताकर चर्चाओं में आ गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के नियतों की पुष्टि करते हुए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर आभार जताया है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है, जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व हैं, जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की ओर से कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अखिलेश यादव के बयान के बाद अब राहुल गांधी ने उन्हें निमंत्रण भेजा तो अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को शुक्रिया कहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।